स्कूटी पे घूमेंगे, दिख रहे ये भी सब चोर है साला, चोर के भागेंगे। मोबाइल भी लूट लेंगे, पर मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, नज़दीक ही हूँ। और इसी जगह से बहुत से लोगों का सामान भी चोरी हुआ है, क्योंकि ये एरिया ये कुछ है। रात के बज रहे 10 और मैं दिखाऊंगा आपको दिल्ली की नाइट लाइफ नॉर्मल डेज में कैसी होती है और कैसे घूमते हैं रात में लोग यहाँ पे, और दिखाऊंगा ज़्यादातर झुग्गी बस्ती वालों की लाइफ, जो रहते रोड के किनारे पे, सोते हैं, खाते हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। ये है लोग जो झुग्गी बस्ती में जीते हैं, उन्हीं की लाइफ है। देख लो खाना कैसे, सोना कैसे, रहना। तो कैसे रहना बच्चे, खाना सोना। रास्ते के किनारे अपने दिन निकालते हैं। अब यार इनकी मजबूरी भी नहीं बोल सकता मैं, इनके पास फोर व्हीलर गाड़ी है, यकीन नहीं मानोगे आप। KTM भी लेके घूमते, बुलेट लेके घूमते। कि लाइफ देखा जाओ तो बहुत मुश्किल है, और कैसे बताएं, कैसे समझाएं। भाई कभी रात के सफ़र में अगर आओ तो इस मुश्किल है मत घूमना इस रास्तों से, क्योंकि बहुत से लोगों के मोबाइल, पर्स, न जाने कौन कौन सी कीमती चीज़ें भी चोरी हो चुकी हैं यहाँ से, और ये बिंदास लूट भी लेते। अच्छे भी बहुत लोग होते हैं और इसमें बुरे भी लोग होते हैं। अब बुरे 1% भी होंगे तो सबको बुरा कहलाया जाएगा। तो प्लीज़ देख के और सोच के आना, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है यार। अब क्या बताओ, मतलब तुम्हें कुछ दिन पहले बता रहे थे कि एक लेडीज़ की चेन गले से खींच के मतलब ले गए, गला कट गया उसका, और उसी हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इनकी गलती कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं है ना इनकी थोड़ी कम, तो उसकी वजह से अब दूसरा कोई काम भी नहीं है, तो इसी को अब इन्होंने अपना काम बना लिया। और अच्छे भी वो होते यार, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते, पर खाना रहना, नो टेंशन, नो झमेला, नो झंझट, कोई दिक्कत नहीं। रात में घूमेंगे ना ऐसे अकेला तो मोबाइल भी लूट लेंगे, पर मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, नज़दीक ही हूँ। और इसी जगह से बहुत से लोगों का सामान भी चोरी हुआ है, क्योंकि ये एरिया ये कुछ ऐसा है यार। आप आओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, पूरा सुमसाम रहता है। अभी देखो ना, ज़्यादा टाइम 11 बज रहा है, सुम हो गया पूरा, और 1-1.5 घंटे बाद तो कुछ होगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं कुछ, पूरा सुमसाम हो जाएगा। कोई नहीं रहेगा अभी रात में, टाइम हो जाएगा ना जैसे अकेले। स्कूटी पे घूमेंगे, दिख रहे ये भी सब चोर है साला, चोर के भागेंगे अपने सपाटे में, सुमसान इधर किनारे पड़े रहेंगे दारू पी के। अच्छे भी है बहुत और कुछ कुछ खतरनाक, उनकी भी कोई गलती नहीं। मेन सिस्टम है एजुकेशन का, अगर एजुकेशन थोड़ा लेते तो समझदारी भी आती है, अब नहीं लेने के कारण। हालांकि इनका घर गिरे सब बताते हैं यहाँ पे, मैं तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं यहाँ पे, जो उसे बताते लोग, मैंने सुना है वैसे ही। ये भी आगे देख रहे होंगे आप, सही सब सिस्टम है, जो कि